उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए खास तोहफा दिया है। पब्लिक प्लेस पर बच्चों को स्तनपान कराने में होने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के बस अड्डों पर फीडिंग रूम बनवाने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के मुताबिक 219 बस अड्डों को नवंबर तक महिलाओं और शिशुओं से संबंधित सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। इन सुविधाओं के दायरे में ही फीडिंग रूम बनाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इस योजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 242 बस अड्डे काम कर रहे हैं। इनमें से 23 बस अड्डों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर विकसित किया गया है। सरकार की योजना के मुताबिक लगभग हर बस अड्डे पर एक फीडिंग रूम बनवाया जाएगा ताकि बच्चों को स्तनपान कराने के लिए महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो।